वेलकम टू पटना राइट्स। आज हम आ गए हैं जेईई एडवांस के पेपर 2 के रिव्यू के लिए। आइए पूछते हैं स्टूडेंट लोग से कैसा रहा एग्ज़ाम, कैसा रहा उनका। तो क्या नाम है आपका? चंदन कुमार सर। कैसा रहा एग्ज़ाम, कैसा पेपर था? ठीक ठाक रहा, लेकिन मैथमेटिक्स में से कुछ ज़्यादा क्वेश्चन आए थे। अच्छा, और कैसा फिजिक्स, कैसा था? फिजिक्स भी टफ था, इसमें भी काइनेमेटिक्स से भी क्वेश्चन थे। अच्छा, केमिस्ट्री में? केमिस्ट्री में, केमिस्ट्री में से मॉडर्न फिजिक्स। ओवरऑल आप कैसा एक्सपेक्ट कर रहे हैं रिजल्ट के लिए? बहुत अच्छा। चलिए ऑल द बेस्ट रिजल्ट के लिए। हाँ, क्या नाम है आपका? रोशन कुमार। कैसा रहा एग्ज़ाम? अच्छा गया। अच्छा गया, कैसा था पेपर? मॉडरेट था, मॉडरेट। सब्जेक्ट वाइज? सब्जेक्ट वाइज मैथ्स का इजी था प्रीवियस ईयर के कंपैरेटिवली, और केमिस्ट्री भी मॉडरेट था। फिजिक्स मेरे को थोड़ा सा टफ साइड मिला था। फिजिक्स का? हाँ, फिजिक्स मेरे को थोड़ा टफ साइड मिला था। और इस साल फिजिकल का, केमिस्ट्री में फिजिकल का वेटेज उतना ज़्यादा नहीं था। पिछले साल जैसे 37% के आसपास आता था, 35%, तो इस साल वो थोड़ा सा कम था। और आप कैसा एक्सपेक्ट कर रहे हैं? शायद 120 के अप्रॉक्स। 120। क्या नाम है आपका? चिंतित तेज। कैसा रहा आपका एग्ज़ाम? एग्ज़ाम अच्छा था, मतलब नॉर्मल था एग्ज़ाम। नॉर्मल। पेपर कैसा था लाइक मैथ्स में? मैथ्स का पेपर कैसे आया था? मैथ्स तो हर साल टफ ही आता है, लेकिन मतलब मैथ्स टफ था, लेकिन इस साल शायद इंटीजर में भी नेगेटिव मार्किंग था, -2। अच्छा, ये शायद थोड़ा न्यू था। अच्छा, और फिजिक्स कैसा रहा? फिजिक्स नॉर्मल था। अच्छा, ओवरऑल आप कैसा एक्सपेक्ट कर रहे हैं रिजल्ट? रिजल्ट एक्सपेक्ट कर रहा हूँ नॉर्मल, शायद थोड़ा सा कट ऑफ के ऊपर हो सकता है। ठीक है, चलिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू रिजल्ट के लिए। थैंक यू। हेलो, क्या नाम है आपका? नमन रंजन। कैसा रहा आपका पेपर? बढ़िया रहा, सेकंड पेपर थोड़ा इजी लगा, पहले से थोड़ा सही लगा, मतलब फर्स्ट पेपर से थोड़ा सही लगा। कैसा वेटेज कैसा था मैथ्स का? केमिस्ट्री मैथ्स में कॉम्प्लेक्स तो कुछ ज़्यादा ही क्वेश्चन दे दिया था, मतलब 4-5 क्वेश्चन तो आराम से होगा फर्स्ट और सेकंड मिला के। बाकी और फिजिक्स में प्रोबेबिलिटी से भी था, फिजिक्स में सब था, करंट इलेक्ट्रिसिटी से ज़्यादा क्वेश्चन था, 3-4 क्वेश्चन था फर्स्ट पेपर में भी, 2-3 था अभी भी था। और केमिस्ट्री में फिजिकल वगैरह कैसा था? फिजिकल ईजी था, केमिस्ट्री में फिजिकल ही बना है ज़्यादातर, ऑर्गेनिक थोड़ा हार्ड था, मतलब हमको पर्सनली हार्ड लगा, इनऑर्गेनिक भी थोड़ा डीप था। ओवरऑल आप कैसा रिजल्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं? सही, मतलब सही एक्सपेक्ट कर रहे हैं, अब कुछ कह नहीं सकते निगेटिव। चलिए ऑल द बेस्ट रिजल्ट के लिए आपको। ओके, क्या नाम है? अजीत सिंह। कैसा रहा एग्ज़ाम आपका? अच्छा रहा। पेपर कैसा था? पेपर भी ठीक था, मॉडरेट था, इजी भी नहीं था, हार्ड भी नहीं था। अच्छा, फर्स्ट सेशन वाला थोड़ा सा हार्ड वगैरह में कैसा रहा? ठीक ठाक रहा, तो मॉडरेट आता है हर साल। हाँ, बनने लाइक। जी जी, ठीक है, चलिए थैंक यू, ऑल द बेस्ट रिजल्ट के लिए। क्या नाम है आपका? साहिल। कैसा रहा पेपर? पेपर ठीक था, मतलब लेवल एडवांस है तो जाहिर सी बात है थोड़ा टफनेस इसका है। कैसा गया आपका एग्ज़ाम? ठीक ठाक है। चलिए थैंक यू, ऑल द बेस्ट एग्जाम के लिए। क्या नाम है आपका? पीयूष कुमार। कैसा रहा पेपर आपका? पेपर मॉडरेटली था, मॉडरेट टू टफ था, ज़्यादा थोड़ा लेंदी था, मतलब पीछे के हिसाब से देखा जाए तो लेंदी था। मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री तीनों में आप किसको रैंकिंग करेंगे लाइक वेटेज वाइज और टफनेस वाइज? मैथ्स थोड़ा टफ था, केमिस्ट्री इजी टू मॉडरेट था, और फिजिक्स वही मॉडरेट था। आपका कौन सा पेपर ज़्यादा अच्छा गया? मेरा केमिस्ट्री और फिजिक्स अच्छा गया। केमिस्ट्री और फिजिक्स तो कैसा रिजल्ट कैसा एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप? रिजल्ट हो सकता है मेरा, ठीक है, हो सकता है, रिजल्ट हो सकता है। और केमिस्ट्री में एक क्वेश्चन था जो कि 21 से रिपीट कर गया था, ऐसे जनरली एडवांस में रिपीट करता नहीं है, लेकिन वो रिपीट कर गया था, मतलब एक रिएक्शन पहले पूछा हुआ था उसको, अगर कोई 2021 में पढ़ा होगा तो आराम से बना सकता है। पहले पूरा पेपर बनाए हुए थे प्रीवियस ईयर। यस यस, चलिए थैंक यू भैया। ठीक है, थैंक यू, ऑल द बेस्ट रिजल्ट के लिए। ओवरऑल पेपर तो अब काफ़ी बच्चों का अच्छा ही गया है, तो देखते हैं कैसा आता है सबका रिजल्ट। और पेपर मॉडरेट था सभी का कहना है, क्या मैथ एज यूजुअल जो कि था इजी टू नहीं कह सकते हैं, पूरा हार्ड था। केमिस्ट्री सभी बच्चों का अच्छा गया है, बोल रहे हैं बच्चों की केमिस्ट्री अच्छा गया। सो होप फॉर बेस्ट रिजल्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।